हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ SLPT चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का निष्कर्ष, कंक्लूजन कंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हल्का सा एक मिस्टेक हुआ था। इतिहास का अन्य विषयों से कैसे संबंध है, रिलेशन ऑफ हिस्ट्री टू अदर सब्जेक्ट। उसमें एक टॉपिक था, उसमें एक एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स है ना, तो उसमें एक सपोज करने वाले के एक अथी थे, बहुत बड़ा राइटर थे, उसका नाम था अगस्त कामटे, जो हमसे मिस्टेक हो गया था, नहीं बोल पाए थे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर कॉपी में नोट्स बनाते होंगे तो। अगस्त कामटे जिनके मानना मानना था कि सही अर्थ में इकोनॉमिक्स कहाँ से लिया गया, हिस्ट्री से ही लिया गया था, है ना। इसलिए इतिहास का संबंध किससे भी है, इकोनॉमी से भी है। ठीक, इतना चीज थोड़ा सा रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास का निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री। और भी कुछ बिंदु पर हमने विचार करने का प्रयास किया है ना, तो देखते हैं एक एक करके। लगभग सभी विषयों का आधार है, लगभग सभी विषयों का आधार है, बात सही है, सभी विषय का आधार है। मैंने क्लास लिया था हिस्ट्री में, मैंने बताया था उसमें हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इतिहास सभी विषयों की क्या है, जननी है। ठीक है, लगभग सभी विषयों का है, चाहे वह मैथ का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, यानी अर्थशास्त्र का हो, भूगोल का हो, या राजनीतिक शास्त्र का हो, समाजशास्त्र का हो, ठीक, या तो अर्थशास्त्र का। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट लिया है बिंदु, सामाजिक विज्ञानों की रानी। देखिए, हिस्ट्री तो सभी विषयों का रानी है, ये है आधार है या जननी है। विशेष रूप से देखा सोशल से जो साइंस होते हैं उनको भी रानी है। सोशल साइंस में क्या क्या आते हैं, है ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, कंप्यूटर, ऐसा थोड़ा छोड़ दिया जाए। जैसे आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है कि नहीं, इस तरह सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इस तरह से। ठीक, उनका भी देखिएगा, जितने भी आज हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, उन सब यहीं से लिया गया है। ठीक है, समाज का अध्ययन करती है, बात सही है, समाज में जो देखिएगा है ना, समाज में जैसे परिवार होती है, फैमिली हो गया, विवाह, मैरिज हो गया, रीति रिवाज, कस्टम हो गया है ना, और खान पान हो गया। ठीक है, जिसको हम मील्स बुक है ना कह सकते हैं, खान पान को, रहन सहन स्थल, लिविंग हो गया है ना। तो इस तरह से देखिएगा, तो समाज में जो है जो अध्ययन है ना, ये अध्ययन करती है। तो हम लोग इतिहास में पढ़े होंगे बहुत सारे, देखिए कोई ना कोई राजा लोग होता था, देखिएगा अपने समाज चलाते, उसके अंदर में देखिएगा तो है ना, विवाह कैसे होती थी, वो लोग का रहन सहन स्तर कैसे होता था, वो लोग जात जात पात को किस तरह से करते थे, है कि नहीं। तो फिर समाज को कितने वर्ग में बांटा गया है, समाज में महिलाओं का स्थान ज्यादा देता था पुरुषों का, जिसको महिलाओं पर जहाँ पर ज्यादा प्रबल स्थान दिया जाता था, ज्यादा महत्व दिया जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मातृसत्ता, मैट्रिकल, और जहाँ पुरुष का होता था उसको क्या बोलते थे, पैट्रिकल, है ना। विज्ञान एवं कला दोनों भी माने जाती है, बस ये मैंने पढ़ाया था है ना, साइंस एंड आर्ट दोनों बहुत हैं, कौन, हिस्ट्री, हिस्ट्री देखिए दोनों करता है, कला क्या करता है, जो इतिहास में जाती घटा वो उसको सजीव रूप देने का प्रयास करता है कि नहीं, और विज्ञान क्या करता है, उसको सत्य करता है। इसलिए कला और विज्ञान दोनों ने बताया था, इतिहास मानव का अध्ययन करती है, समय का अध्ययन करती है, स्थान का, समय मतलब कोई भी एक समय उठा लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताइए, उसे क्या था, 2500 से लेकर 1750 शायद BC है, किसी ने 2350 से लेकर 1700 BC माना था, है ना। मानव देखिए चंद्रगुप्त ये सब आ जाएंगे, स्थान में देखिए कोई स्थान ले लीजिए, जैसे हम लोग मगध साम्राज्य का देख है ना, कभी सुने होंगे मगध साम्राज्य में है ना कितने लोग आए हैं, और मुगल वंश देखिएगा दिल्ली का आएगा, तो कहीं ना कहीं स्थान से जुड़ा रहता है, समय से जुड़ा हुआ रहता है, मानव का अध्ययन करते हैं क्या। और भी कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स, उसको भी एक दो है ना ले लेते हैं हम लोग। तो गर्मी आज बहुत ज्यादा है, और मेरा रूम जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, मोबाइल जो है बार बार हॉट हो जा रही है, तो ठीक है एक हम लोग और ले लेते हैं, राजा और रानियों का वर्णन किया जाता है, बात सही है, राजा और किसको, राजा एवं रानियों का वर्णन करती है, रानियों का वर्णन करता है, बात सही है। देखिएगा इतिहास उठा करके आप ज्यादातर तो राजा राजा और रानी का ही पढ़िएगा। ठीक, फिर देखिएगा तो युद्धों का वर्णन की अनुवाद, युद्धों का वर्णन मिलता है, बिना युद्ध के तो हिस्ट्री बन बनी करेगा,
अधिकतर स्टूडेंट तो इसी में फेल हो जाते हैं एग्जाम में, कौन सा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया और कौन जीता कौन हारा, उसमें इसे भी पूछ देता है, उसमें भी बात आती है। मैं बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो क्लास में लूँगा, वीडियो लेकर आऊँगा बेहतर, उसमें देखिएगा कि मैं है ना मैट्रिक के साथ आऊँगा, उसमें देखिए इस भी मैं एक झटका में याद करा दूँगा है ना, और कौन जीता कौन हारा उसके लिए भी ठीक है। एक और हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, व्यापक हैं, बात सही है। इतिहास जो अगर कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं पूरा निचोड़ करके निकालते हैं तो पूरा भास्ट है, पूरा व्यापक है, बहुत बड़ा है। मुख्य रूप से तो तीन भागों में बांटा गया है, एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न में, पढ़ते पढ़ते देखिए दिमाग खराब हो जाता है पूरा है ना। और एक हम लोग क्या ले लेते हैं, अतीत का वर्णन करती है, बात सही है। क्या क्या करती है अतीत का वर्णन करती है, अतीत मतलब क्या होता है, जो बीती हुई घटना है ना उनका वर्णन किया जाता है, अतीत का वर्णन करती है तो यही इसका कंक्लूजन निकलता है ठीक। इस तरह से देखिए कंक्लूजन में आपका आ गया क्या क्या आ गया, अतीत का वर्णन आ गया, व्यापक आ गया, उद का वर्णन करती है, साम्राज्य और रानियों का वर्णन करती है कि नहीं, समय 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 स्थान और मानों का अध्ययन करती है कि नहीं ठीक है। और समाज जो है विज्ञानों के मतलब समाज का अध्ययन करती है, सामाजिक विज्ञानों का रानी भी है ना कहा जाता है। लगभग लगभग उन्होंने बताया कि सभी विषयों का है ना ये आधार भी है, तो ये हिस्ट्री का पूरा कंक्लूजन निकल के आता है फ्रेंड्स। और मैं मानता हूँ कि ये इतिहास का जो जड़ था वो अंत है ना। कल का मेरा जो क्लास आएगा उसमें हिस्ट्री का टाइप्स पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और बहुत बहुत ही प्रयास रहेगा कि अच्छा कंटेंट के साथ मैं आऊँ है ना, और बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े ठीक है दोस्त। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।